दबों में बैंक से दो आरोपी हुए गिरफ्तार, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस अधीक्षक बी आर सेनिवार ने कहा, दो महीने से चल रहा था प्रयास, अब मिली सफलता। स्थानीय पत्रकारों के दिए प्रश्नों के उत्तर, कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कुछ और, दबों के हिसाब से 3 लाख की कीमत की इस बैंक से हुई बरामद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दमोह पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ में लगी है। इस मैच से आरोपियों को पुलिस ने थर दबोचा है। पुलिस की टीम पिछले 2 माह से इस विषय को लेकर लगातार प्रयास कर रही थी और इसके लिए बाकायदा टीम गठित की गई थी। 2 माह की मेहनत के बाद जब परिणाम सामने आया तो पुलिस अधीक्षक डी आर सेनिवार ने पुलिस कंट्रोल रूम में मामले के संबंध में पत्रकारों के समक्ष पूरी जानकारी देते हुए बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, एसडीओपी तेंदुखेड़ा, अशोक चौरसिया, प्रभारी थाना प्रभारी नोटा विकास चौहान एवं दमोह के साइबर सेल को यह जवाबदारी दी गई थी। और इसमें जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो रानी और प्रवेश चंद्र, पिता रमेश चंद्र मेहरा, उम्र 28 वर्ष, ये नरसिंहपुर निवासी है, और प्रवीण पिता गौरी शंकर दुबे, उम्र 28 वर्ष, देवरी का निवासी है। इन दोनों को स्मैक सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। 50.6 ग्राम स्मैक, एक स्विफ्ट कार, MP15, CC 58 29 एवं 3 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक डी आर तेनिवार ने बताया, मादक पदार्थ स्मैक्स की कीमत अंतर स्थानीय स्तर पर 3 लाख रुपए है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमत कुछ और हो सकती है। पुलिस अधीक्षक डी आर तेनिवार ने कहा कि जिन लोगों ने इससे पूरे मामले में कार्रवाई की है, खुलासा किया है, उस पूरी टीम को हम पुरस्कृत करने जा रहे हैं, उनको बधाई देते हैं। एक ये पहला मामला है जिले के इतिहास में जब स्मैक्स यहाँ पकड़ी गई है, और जिन लोगों को ये स्मैक्स सप्लाई करते थे उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है। कार्रवाई के लिए उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार की स्थिति यहाँ निर्मित हो रही थी, इसमें चिंता हो रही थी और ये एक चैलेंज था पुलिस के सामने इनको पकड़ने का, और पुलिस ने 2 माह तक लगातार प्रयास किए हैं और इस प्रयास में सफलता प्राप्त हुई है। सुनते हैं पुलिस अधीक्षक डी आर तेनिवार इस संबंध में क्या कहते हैं। ये बाहर से कहां से आती, क्या करते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले करीब करीब 2-3 महीने से हम लोग, यानी कि हमारी टीम एडिशनल एसपी साहब और थाना प्रभारी नोटा और साइबर टीम, इन 3 लोगों को मैंने पूर्णतः डेप्यूट कर रखा था कि इतनी गोपनीय तरीके से जांच करना, किसी को पता नहीं चले, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अच्छी सफलता हासिल करना है। तो आज रात को ही खबर मिली थी कि बाहर से इसमें का पाउडर लेकर के एक गिरोह टीम आ रही है, क्योंकि वहीं से हमने फॉलो किया था, जहां से लाए थे वहीं से उसको फॉलो किया, जैसे अपनी सीमा में आए या स्थानीय लोगों को देने के लिए आए, तो उसको थाना नोटा क्षेत्र में थाना माइको साहब के निर्देशन में, एसडीपी साहब की उपस्थिति में थाना प्रभारी नोटा और हमारे साइबर की टीम ने गिरोह के 2 प्रमुख लोग जो हैं उनको दस्तयाब किया। उनकी गाड़ी जब चेक की, उनके पास एक शिफ्ट कार थी, उनकी गाड़ी जब चेक की और उनसे पूछताछ की तो 2 व्यक्ति निकले, जो हमारी खबर के अनुसार और ऑथेंटिक प्रमाण के अनुसार जब हमने उनसे पूछताछ की तो एक व्यक्ति निकला था रानी उर्फ प्रवेश चंद मेहरा, उसका नाम रानी उर्फ प्रवेश चंद मेहरा, जो नरसिंहपुर का रहने वाला है, और एक व्यक्ति है प्रवीण पिता गौरीशंकर दुबे, जो देवरी का रहने वाला है। ये दोनों लोग राजस्थान से भी लाते हैं और अभी जो मामले के आए हैं ये राजगढ़ में खिलसीपुर जगह, वहां पे भी एक व्यक्ति के लेके, हमने अन्य व्यक्ति का नाम ओपन नहीं किया है क्योंकि उसको भी दबोच करना है, उससे मांग जो है इसमें को लेकर के, इसमें के साथ जो पाउड पत्थर थे वो मिला करके वो उसकी मात्रा बढ़ाते हैं, जब उसका वेट किया गया तो इसमें करीब करीब जो है इसमें पाउडर 50.6 ग्राम यह इसमें बरामद हुई है। उनके मोबाइल हमने बरामद किए, कैसे पैसा जो है उन्होंने ट्रांजेक्शन किया और कहाँ से लिया है, ये सारी जानकारी हमें प्राप्त हो गई है। उसी के साथ ही इनकी मॉडल्स ऑफ रेडी के बारे में भी जो हमने पता किया है, तो बड़े इनका बड़े सुनियोजित तरीके से मॉडल्स ऑफ रेडी है कि
ये जैसे कि 50 ग्राम है, तो ये जो पीने वाले लोग हैं उन्हीं के पास खुद जा करके आवश्यकता अनुसार कोई 1 ग्राम लेता है, कोई 2 ग्राम लेता है, कोई 3 ग्राम लेता है, जितनी उनकी क्षमता है उसके अनुसार ही इसमें लेते हैं। और ये दमों में खपाने के लिए लाए थे। उन व्यक्तियों के नाम भी मालूम पड़ेंगे जिनको देते हैं, लेकिन चूंकि उसके 2 कारण है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, साथ ही चूंकि वो पीड़ित हैं, 1-1, 2-2 ग्राम जो है, हमने उन पीने वालों से पूछा है तुम किस प्रकार से सेवन करते हैं कि बोले साहब किसी ने बता दिया है। उनकी जो मॉडस ऑपरेटर थी कि इसमें सिल्वर एक जो पत्ता रहता है सिल्वर का, जो भर करके जो आते हैं ना जिसमें डालते हैं, तो उस पर वो डालते हैं या नोट पे उसको, फिर उसको जलाते हैं, जलाने के बाद उसको कस लेते हैं और सूंघते हैं। तो जो 1 ग्राम यदि इसमें रहेगी तो वो करीब करीब 4-5 बार उसके कुछ भाग कर करके वो 4-5 बार उसका सेवन करके वो नशा करते हैं और इस प्रकार के वो आदि हो जाते हैं, उसके बिना रहते नहीं है। तो इसकी जो कीमत है, जो यहाँ के अनुसार ये कि हमने जो कीमत निकाली है, हम इंटरनेशनल या इंडिया पर नहीं जा रहे हैं, उसकी कीमत जो निकाली है उसके अनुसार ये कि जो खरीदने वाले हैं वो 1 ग्राम 6,000 के आसपास रुपये उनको देते हैं 1 ग्राम के, यानी कि 8-10 बार नशा करने के लिए वो 6,000 रुपये वो खर्च करते हैं। तो ऐसे नोटा के भी एक दो व्यक्ति हैं जो ये नशा करते हैं, कुछ तेंदुलकड़ा के हैं, कुछ आपके दमों के कुछ 3-4 लोग जो आए हैं जो इनको बेचने के लिए आए थे। इस प्रकार से जहाँ से लाए वहाँ से हमने हमारी टीम लगातार फॉलो किया, और जैसे ही हमने नोटा क्षेत्र में आए तो उसकी गाड़ी बरामद हुई, तो उनसे हमें जो बरामद हुआ 50 ग्राम करीब जो है इसमें बरामद हुई है, और उसकी जो शिप जो देवरी की पासिंग है, जो आरोपी उसके परिवार की महिला के नाम वो गाड़ी है वो बरामद हुई, उसे 3 मोबाइल बरामद हुए, उसके आधार पर जो है की लेनी प्राप्त हुई है, और इनसे जो सामग्री बरामद हुई है वो तीनों ही है, और इन दोनों आरोपी हमारे कब्जे में आज न्यायालय पेश कर रहे हैं और इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। और कौन कौन को दिए हैं उसका आशय ये है कि जिन व्यक्ति को देते हैं उससे चिन्हित कर लेंगे कि इस प्रकार नशा सेवन करने से उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा, उस पर अगर आवश्यकता होगी, अगर आदि ज़्यादा होंगे तो नशा मुक्ति केंद्र में उनको भेजने की व्यवस्था करेंगे। और कम से कम ये कि इस पकड़ने से ये निश्चितता हो गई है कि दमों में कम से कम ये जो प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा था, जो आगे चल करके यहाँ के नागरिकों के लिए जीवन संकट और परिवारों का संकट में डालना था, उस पर निस्संदेह जो है